तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती है, नोटिस जारी किया गया है उस पर 26 जुलाई तक जवाब नहीं देती है तब तक इस आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए किस दल के नेता ने क्या रिएक्शन दिया है इस पर। देखिए, जब सत्ता तानाशाही करेगी या सत्ता जो है लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने काम करेगी तो हम पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा रास्ता है कि हम अपनी बात को जाकर कह सकते हैं। इसलिए पहले से बहुत छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जातियां हैं, धर्म है। सरकार को चाहिए कि वो इसके ऐसा ना बने। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज़्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज़ की इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के जो तमाम दुकानदार हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि नेम प्लेट लगाने से, नाम का बोर्ड लगाने से कहीं ना कहीं हमारी दुकानदारी पर असर पड़ रहा था। हमारे सहयोगी साहिल की एक रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर ढाबा और टी स्टॉल के मालिकों के नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने ये आदेश दिए थे कि मुजफ्फरनगर जिस सड़क से कांवड़िए गुजरते हैं उस पर पड़ने वाले तमाम होटल, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, ढाबों पर अपने मालिकों को अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिसके बाद तमाम ढाबे मालिकों ने इस आदेश का पालन किया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर उन्हीं ढाबों के बाहर मौजूद है जहाँ से मामला शुरू हुआ था। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस पहले ढाबे का नाम डे एंड नाइट कैफे था, लेकिन सरकार के यानी कि मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले के बाद इस ढाबे का नाम शमीम सैफी टी स्टॉल हो गया था। और साथ ही ये कहा गया था कि मालिकों को अपना नाम और जो वर्कर है उनके नाम लिखने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ढाबे के मालिक ने एक पूरा प्रॉपर पोस्टर लगाया गया। मालिक का नाम शमीम सैफी, निखिल कुमार, राकेश, दीपक, चेतन, ये तमाम जो कर्मी यहाँ पे काम करते हैं और जो ढाबे के मालिक है उनसे बात करते हैं किस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम सैफी है। शमीम जी, सरकार का फैसला था पहले कि नाम लिखने हैं, नाम आपने लिखे भी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले अंतरिम रोक लगा दी है कि आप जो है सरकार ढाबे मालिक को अपना नाम लिखने में दबाव नहीं बना सकती। हाँ, तो ये भी ठीक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं कि अंतरिम रोक लगा दिया, अगली सुनवाई तक? अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी, हाँ खुश हैं हम इस बात से। नाम आपने शमीम पे अब लिखा है तो कहीं बिक्री पे भी इस पे असर पड़ा था कहीं? नहीं, बिक्री पे कोई खास असर नहीं पड़ा, सब अपने अपने हिसाब से जो नॉर्मल है वो चलता रहा। पहले सरकार का आपने सम्मान किया, बोर्ड पोस्टर लगाया, आप सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी कि प्रशासन जो है मालिकों को दबाव नहीं बना सकते अपना नाम लिखना, कैसे देखते हैं इस फैसले? जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वही करेंगे जी। तो नाम बदलने से कोई बिक्री पे भी कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी आई देखने को? नहीं, बिक्री पे तो कोई फ़र्क नहीं आया, जो रेगुलर वाले हैं कस्टमर वो तो आते ही रहते हैं। कोई आधा ही कस्टमर है जो नाम देख के चला जाता है जी। आसिफ, पहले सरकार के कहने पर आपने तमाम ये फोटोज लगाए थे, अपना नाम लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं इस फैसले? ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था वैसे, अब हटा देंगे इस बोर्ड को। जी जी जी, नाम बदलने से और फोटोज लगाने के लिए बिक्री पे कुछ कमी देखने को? नहीं, कमी वगैरह तो कुछ नहीं थी, वो तो कावड़ चलती तो मालूम पड़ता, अभी तो सही तरीके से कावड़ भी नहीं आ पाई हाईवे पे, अब चलेगी तो वो आते नाम देखते तो जब पता चलता, वैसे तो सही किया, सम्मान करते हैं। तो मुजफ्फरनगर के लोगों की आपने राय सुन ली, वहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी। वहीं हरिद्वार से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, साथ ही साथ इस खबर से, इस फैसले से जो दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है जी? क्या नाम है आपका? अमजद। अमजद नाम है आपका,
कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आते जाते जो दिख रहे हैं, वो आते हैं आपके शॉप पर खाने पीने के लिए? आते हैं जी। अच्छा, प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि आप लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, दुकान के बाहर बताना पड़ेगा, तो आपने नाम लिखा था? जी, परमिशन बनवाई थी आपने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दरअसल इस फैसले पर रोक लगा दी है और आप लोगों को रिलैक्स कर दिया है, चाहे तो नाम बताइए चाहे तो ना बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, इतने पढ़े लिखे का नहीं, जैसे भी हमारे लिए तो हम मजदूर आदमी हैं, उन्होंने सही किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? अच्छा, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे थे आप कि नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, इस फैसले को कैसे? वो भी सही है, नाम भी बताना चाहिए, नाम बताना चाहिए। भाई, कावड़ यात्रा चल रही है, क्या तक कोई क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, वो भी सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसमें भी आप लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? नहीं, असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा है। कावड़ी आ रहे हैं खाना बना कर जी। जो ढाबे दुकानें देख रहे हैं आप मेरे बगल बगल में, वहां पे दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही साथ इस खबर से, इस फैसले से जो दुकानदार है, मुस्लिम दुकानदार, उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है? जी। क्या नाम है आपका? हमजद नाम है आपका। कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आते जाते जो दिख रहे हैं, वो आते हैं आपके शॉप पर खाने पीने के लिए? आते हैं जी। अच्छा, प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि आप लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, दुकान के बाहर बताना पड़ेगा, तो आपने नाम लिखा था? जी, परमिशन बनवाई थी आपने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दरअसल इस फैसले पर रोक लगा दी है और आप लोगों को रिलैक्स कर दिया है, चाहे तो नाम बताइए चाहे तो ना बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो जी, इतने पढ़े लिखे का नहीं, जैसे भी हमारे लिए तो हम मजदूर आदमी हैं, उन्होंने सही किया। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? अच्छा, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे थे आप कि नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, इस फैसले को कैसे? वो भी सही है, नाम भी बताना चाहिए, नाम बताना चाहिए। भाई, कावड़ यात्रा चल रही है, क्या तक कोई क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, वो भी सही था। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसमें भी आप लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकानदारी पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? नहीं, असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा है। कावड़ी आ रहे हैं खाना बना कर जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सनातनी खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन किया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर समर्थन में क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव। में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? कांवड़ पवित्रता का त्यौहार है। देश के कोने कोने से कांवड़िए जल भरने के लिए निकलते हैं। कांवड़ियों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानों, होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया गया, न कि किसी की आजादी छीनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को इस फैसले में भी सियासत दिखती है और वो विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। नाम बताने का उद्देश्य क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा संत समाज और सनातन को मानने वाले लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। नेम प्लेट पर नाम लिखने में तकलीफ क्या है? धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल प्रेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत करिएगा। एक दिन पहले योग
गुरु बाबा रामदेव ने भी नेम प्लेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामदेव को नाम लिखने में दिक्कत नहीं तो रहमान को भी नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ही नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दुकानों और होटल पर नेम प्लेट लगवाने वाले फैसले का स्वागत किया। जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवर चलती है, कांवर में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास रूप गंगोत्री यमोत्री से लाते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन सनातन विरोधी यूपी में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है और यही वजह है बिन सिर पैर वाले मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वहीं सनातन को मानने वाले इस फैसले का समर्थन कर सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।